वालेकुम। हेलो दोस्तों, सभी भाई बहनों को आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, आज सासू अम्मा का तबीयत खराब है तो यहाँ खाट में लेटी हुई हैं। इधर बाजी भी आए हैं देखने के लिए। तो दोस्तों, दो चार दिनों से हमारे गांव में बहुत तेज बारिश हो रहा है और अभी भी बारिश हो रहा है। तो सोच रहे हैं सासू अम्मा को कैसे हॉस्पिटल लेके जाएं सुई वगैरह लगवाने के लिए। अब ये बोल रही है कि जब तक पानी नहीं छूटेगा तब तक मैं नहीं जाऊंगी। तो चलिए दोस्तों, सासू अम्मा को थोड़ा तेल मालिश कर देते हैं और अभी मौसम बदलता रहता है इसीलिए तबीयत खराब हो रहा है। और ये देखिए दोस्तों, बाजी भी आ गए हैं सासू अम्मा को तेल मालिश करने के लिए। तो चलिए हम लोग दोनों मिलकर सासू अम्मा का हाथ पैर दबा देते हैं। तो दोस्तों, अभी तो बारिश हो रहा है, जब बारिश छूट जाएगा तब हम लोग सासू अम्मा को इलाज करवाने के लिए ले जाएंगे डॉक्टर के पास। तो दोस्तों, घर में सर्दी बुखार का टेबलेट है तो उसको बोल रहे हैं कि खा लीजिए अम्मी। तो ये बोल रहे हैं कि मैं नहीं खाऊंगी टेबलेट को, बोल रहे हैं कि मैं इंजेक्शन लगवाऊंगी, मेरे को टेबलेट अच्छा नहीं लगता है। और दोस्तों, इंजेक्शन ज्यादा फायदा करता है तो उसी को लगवाएंगे तो इससे जल्दी तबीयत ठीक हो जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, अलीजा की अम्मी भी आ गई है, बोल रहे हैं कि क्या हो गया है अम्मी को। तो दोस्तों, हम लोग सासू अम्मा का हाथ पैर को अच्छे से दबा दिए हैं तो अभी उनको थोड़ा अच्छा लग रहा है तो वो अभी सो गए हैं। तो ये देखिए दोस्तों, थोड़ा बहुत रहर का बीज है और कुछ सब्जी का बीज है तो इसको मैं तला वाले पैर में लगा देती हूँ। तो दोस्तों, अभी ही मैं कुछ कुछ सब्जी का बीज लगाऊंगी तब हम लोग को फायदा देगा खाने के लिए। और दोस्तों, आप लोग देखे होंगे पिछले साल भी मैं कुछ कुछ सब्जी लगाई थी तो हम लोग कितना ज्यादा दिन तक खाए थे। तो चलिए दोस्तों, तालाब के इस साइड ही लगा देते हैं और इस बार मैं सोच रही हूँ कि कुछ ज्यादा सब्जी मैं लगाऊंगी क्योंकि सब्जी लोग का भी रेट बहुत ज्यादा हो गया है और घर में हम लोग लगाए रहेंगे तो हम लोग को बहुत काम आएगा। तो ये देखिए दोस्तों, अभी कितना अच्छा हवा चल रहा है, एकदम ठंडा ठंडा लग रहा है और अभी बारिश भी रुका हुआ है। तो मैं बारिश शुरू होने से पहले ही जो मैं जितना बीज पकड़ी हूँ तो उतना को मैं लगा दिए रहती हूँ। तो दोस्तों, पिछले साल जो मैं सब्जी यहाँ पे लगाई थी तो उसी का बीज यहाँ पे झड़ा हुआ था तो ये खुद से उग रहा है तो अब मेरे को उसको जगाना नहीं पड़ेगा। और इधर देखिए दोस्तों, रोशनी के दादा के दोस्त कटहर ला दिए थे सब्जी खाने के लिए और इसको सब्जी खाने के लिए काट रहे हैं तो ये पक गया है। ये देखिए दोस्तों, रोशनी के दादा कटहल लेके आए थे सब्जी बनाने के लिए, लेकिन जब इसको काट के देखे तो पीला हो गया है। इसको खा के देख रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा मीठा है तो इसको अब हम लोग सब्जी नहीं बना रहे हैं, इसको रख दे रहे हैं, इसको पकवा के खाएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये वाला कटहल को अलीजा के अब्बू लेकर आए हैं तो चलिए इसको भी काट कर देखते हैं, ये भी ना पक गया होगा। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि ये कटहल कितना ज्यादा बड़ा है, अगर कटहल को सीधा खड़ा कर देंगे तो सीधा आलिया इतना बड़ा होगा। चलिए दोस्तों, अब इसको काट के देखते हैं, फिर सब्जी बनाने के लिए हम लोग का पड़ोसी को भी दे देंगे। कटहल बहुत ही ज्यादा है और बड़ा है तो सभी लोग अपना अपना सब्जी बना लेंगे। तो आप लोग तो देख सकते हैं, ये वाला कटहल तो पका हुआ नहीं है तो हम लोग को सब्जी बनाने के लिए बच जाएगा। इसका बीज भी बहुत अच्छा है और मेरे को इसका बीज खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए दोस्तों, सब्जी बनाने लायक का कटहल मैं काट चुकी हूँ तो मैं इतना ही कटहल का सब्जी बनाऊंगी, ज्यादा नहीं बनाऊंगी, बच्चे लोग नहीं खाने के लिए होते हैं। तो चलिए दोस्तों, बाहर कुछ सामान बेचाने के लिए आया है तो देखते हैं क्या सामान लेकर आए हैं बेचने के लिए। अगर चटाई वगैरह होगा तो एक आठ ले लेंगे। ये देखिए दोस्तों, कुर्सी और तिरपाल और डब्बा वगैरह लेकर आए हैं, इसमें से बड़ा बड़ा चटाई भी पकड़े हैं तो दिखा रहे हैं। दोस्तों, मेरे को चटाई लेना था छोटा वाला, लेकिन ये चटाई तो बहुत ही बड़ा बड़ा है तो इसको मैं नहीं ले रही हूँ क्योंकि मैं इतना ही बड़ा चटाई पिछले बार ले चुकी हूँ, इसीलिए मैं अभी नहीं ले रही हूँ चटाई को। तो दोस्तों, ये लोग कचड़ा फेंकने वाला सुपली भी रखे हैं तो मैं सोच रही हूँ कि एक ठो सुपली को भी हम लोग रख लेते हैं क्योंकि घर में जो सुपली है वो भी टूट गया है तो उसमें भी कचड़ा उठाने के लिए नहीं बनता है। तो इधर देखिए दोस्तों, हम लोग अब कुर्सी को देख रहे हैं लेने के लिए। तो इधर बाजी भी दो कुर्सी रखेंगे, इधर हम लोग भी दो कुर्सी रखेंगे और ये भैया बोल रहे हैं कि 1200 में चार कुर्सी आएगा। तो दोस्तों, बहुत मनाने के बाद ये कुर्सी वाले 200 रुपए कम कर रहे हैं तो दो ठो कुर्सी बाजी लोग रखेंगे और दो ठो कुर्सी को हम लोग रखेंगे। तो दोस्तों, अभी का टाइम लगभग 3 बज रहा है और मैं कटहल को दिन में ही काट के उबलने के लिए चढ़ा दी थी तो भी अच्छे से पक गया है। तो चलिए दोस्तों, अब उसको बनाकर तैयार ही कर देते हैं, फिर शाम को सब्जी बनाने के लिए नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों,
दोस्तों अभी लास्ट कटहल का भी दिन है, तो अभी हम लोग कटहल का सब्जी खा लेते हैं। अगर कटहल पक जाएगा तो सब्जी खाने के लिए भी नहीं बनेगा। और ये देखिए दोस्तों हम लोग का प्याज तो कितना अच्छा ताजा है। प्याज तो हम लोग का नहीं सड़ा हुआ है, लेकिन आलू हम लोग का पूरा सड़ गया। और दोस्तों बहुत ही ज्यादा हम लोग को अफसोस होता है, हम लोग का आलू उतना सारा बर्बाद हो गया। नहीं तो नहीं बर्बाद हुआ रहता तो हम लोग आराम से बरसात में अभी उसका सब्जी खाते। तो दोस्तों आज मैं कटहल को कुछ अलग तरीके से ही बना रही हूँ। कटहल को उबलते टाइम ही मैं मसाला उसमें पीस के डाल दी थी। और ये देखिए दोस्तों आलिया अपना रिजल्ट लेकर आई है और आलिया उनसे पास हुई है और मुझे भी इसका रिजल्ट देख के बहुत ही अच्छा लगा। तो चलिए दोस्तों अब कटहल को अच्छे से बनाते हैं। तो ये देखिए मैं इतना सारा प्याज काट के रखी हूँ, तो अब इसको भी डाल के अच्छे से भूंज लेती हूँ लाल होते तक। और इधर देखिए दोस्तों मैं बुलबुल को सुलाई थी, लेकिन ये भी अभी उठ गई है और बदमाशी कर रही है। तो देखिए दोस्तों प्याज भी अच्छे से लाल हो गया है। तो जो मैं कटहल उबाल के रखी थी उसको मैं डाल के अब इसको अच्छे से भूंज लेती हूँ। और कटहल के सब्जी से बहुत ही अच्छा खुशबू आ रहा है और दिख भी बहुत ही अच्छा रहा है। तो दोस्तों अभी बच्चे लोग भी स्कूल से तुरंत ही आ रहे हैं, तो ड्रेस वगैरह लोग चेंज कर चुके हैं, तो बैठ रहे हैं अब खाना खाने के लिए। और मैं उनको बोल रही हूँ कि थोड़ा सा रुक जाओ, कटहल का सब्जी बन ही गया है, तो इसी सब्जी में तुम लोग खा लेना। वैसे तो दोस्तों मैं सुबह बैगन का सब्जी बनाई थी, तो उसी में रोशनी बोल रही है कि मैं खा लूंगी अम्मी। तो दोस्तों कटहल का सब्जी बन के रेडी हो गया है, तो अब रात के लिए सब्जी बनाने का कोई टेंशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों घर में भी कचरा हो गया है, तो अब मैं घर को भी अच्छे से साफ कर देती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों बारिश की वजह से हम लोग का घर भी कितना ज्यादा गंदा हो गया है। अगर धूप कर देता तो मैं घर का भी अच्छे से लिपाई कर देती। और ये देखिए दोस्तों धान का भी जरिया कर चुके हैं खेत में बुनाई करने के लिए, तो आज तो ट्रैक्टर ही नहीं आया, तो आज धान का भी बुनाई नहीं हुआ, तो कल इस धान का बुनाई कर देंगे खेत में। तो ये देखिए दोस्तों रोशनी के दादा अभी नदी के साइड गए थे, तो नदी के साइड जो जंगल है उसमें से इतना सारा मशरूम लेकर आए हैं। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों इतना सारा मशरूम है, लगता है कि वहाँ बहुत ही सारा मशरूम हुआ था। और एकदम ताज़ा मशरूम है, इसका सब्जी खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। और बरसात के दिनों में यही फायदा होता है कि बहुत ही अच्छा मशरूम मिल जाता है खाने के लिए। और दोस्तों इससे भी बड़ा मशरूम मिलता है, लेकिन वो सुबह टाइम मिलता है, उसका सब्जी भी और भी अच्छा लगता है खाने में, लेकिन इसका भी बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो चलिए दोस्तों अब इसको अच्छे से साफ करते हैं। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों इसमें थोड़ा कचरा भी है, तो और बारिश भी बढ़ने लगा है, तो चलिए अंदर चलते हैं, इसको अच्छे से साफ करेंगे। तो दोस्तों बारिश के दिन आप में से किस किस को अच्छा लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। और हम लोग को तो बारिश का दिन बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन गांव में तो थोड़ा सा कीचड़ वगैरह का दिक्कत होता है। तो चलिए दोस्तों अब मशरूम को अच्छे से साफ करते हैं, लेकिन आज तो मैं इसका सब्जी नहीं बनाऊंगी, कल इसको मैं बनाऊंगी, क्योंकि रात का तो सब्जी बन ही गया है। तो इसको मैं अच्छे से निमार के फिर इसको उबाल के रख दूंगी। तो दोस्तों अभी काफी रात भी हो गया है और हम लोग का खाना खाने का भी टाइम हो गया है, तो चलिए अब सबके लिए खाना निकाल देते हैं, फिर सभी कोई मिलकर खाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों मैं सभी के लिए खाना निकाल चुकी हूँ, तो चलिए अब हम लोग खा लेते हैं जल्दी से, नहीं तो लाइट कट जाएगा, तो हम लोग को अंधेला में खाने के लिए भी नहीं बनेगा। तो हम लोग सोच रहे हैं कि लाइट कटने से पहले ही जल्दी से हम लोग खाना खा लेते हैं। हम लोग रात का खाना खा चुके हैं और लास्ट कटहल का सब्जी खाकर बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही मजा आया खाकर। हम लोग जा रहे हैं सोने के लिए, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, खुदा हाफिज़, बाय।